हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महाराष्ट्र मेट्रो रेल परियोजना के तहत नागपुर मेट्रो के विभिन्न कार्यालयों के साथ साथ स्टेशनों पर महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन परियोजना के सभी विभागों की महिला कर्मचारियों के सहयोग से किया गया। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर बृजेश दीक्षित की कार्यप्रणाली के अनुसार महामेट्रो हर क्षेत्र में ट्रेन संचालकों से लेकर तकनीकी और कार्यालय कर्मियों तक महिलाओं को बढ़ावा देते हैं। महामेट्रो में पुरुषों के साथ साथ काम करने वाली सभी महिलाएं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भलीभांति कर रही है। यही वजह है कि महामेट्रो अपने हर क्षेत्र में कार्य करने में सफल हो रही है। नागपुर मेट्रो के मेट्रो भवन CPM कार्यालय के साथ साथ विभिन्न स्टेशनों पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला कर्मियों को पुरस्कृत किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिलाओं को विशेष रूप से महिला कर्मियों द्वारा महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर वातावरण मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं मेट्रो स्टेशनों पर काम कर रही है। यात्री सुविधा सहायक के पद पर काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं मेट्रो के हर स्टेशन पर काम कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय फुटबॉल अजिंक्यपद प्रतियोगिता फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की संयुक्त मेजबानी में हुई। इस फुटबॉल राष्ट्रीय स्पर्धा में दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की छात्रा वैष्णवी मंथापुरवार ने डबल श्रेणी में द्वितीय स्थान हासिल किया। उनको रजत पदक तथा प्रमाण पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सुरक्षा खापरडे ने सिंगल श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र हासिल किया। आर्य विद्या सभा के सचिव राजेश लालवानी ने खिलाड़ियों का अभिनंदन किया तथा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने खिलाड़ियों का अभिनंदन किया और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी वे ऐसी ही ट्रॉफी लेकर आए। शारीरिक शिक्षा विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मीना बालपांडे ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन और अभिनंदन किया। खिलाड़ियों की विशेष कामगिरी हेतु सभी प्राध्यापिकाओं ने खिलाड़ियों की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में ग्रुप केंद्र रिपु बल नागपुर में महिला दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप केंद्र कैंपस में स्थित सभी कार्यालयों तथा रेंज कार्यालय नागपुर, ग्रुप केंद्र नागपुर, कंपोजिट अस्पताल नागपुर एवं 213 बटालियन में पदस्थ महिला अधिकारियों कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त कैंपस में निवासरत जवानों के परिवार की महिला सदस्यों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में रणदीप दत्ता, पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर CRPF नवी मुंबई एवं सेक्टर अध्यक्षा रितु दत्ता की उपस्थिति रही। PR जम्बुलकर नागपुर एवं क्षेत्रीय संरक्षक कीर्ति जम्बुलकर के कुशल मार्गदर्शन में कार्यक्रम को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं महिलाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय ने रजिस्टर्ड डाइटिशियन एवं कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट शेफाली कुमार को फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी के अंतर्गत साइकोलॉजी में उनके शोध कार्य के विषय इफेक्ट ऑफ डिएटेटिक थेरेपीज ऑन साइकोलॉजिकल एवं फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स विथ रेफरेंस टू मेनोपॉज में डॉक्टर LR मिर्नाल के मार्गदर्शन में PhD डिग्री प्रदान की। इसका श्रेय शिफाली कुमार, उनके गाइड डॉक्टर LR मिर्नाल, मेंटर डॉक्टर कल्पना जाधव, संबंधित प्रोफेसर, टीचर्स परिवार के सदस्य एवं उनके मित्रों को देती है। मध्य रेल महिला कल्याण संगठन मुंबई के निर्देशानुसार WSSC नागपुर और मंडल रेलवे अस्पताल नागपुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नागपुर मंडल के तहत विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में रेलवे की महिला कर्मचारियों एवं परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। प्रथम शिविर मंडल रेलवे अस्पताल नागपुर के आरोग्य सभागृह में आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे ने सुबह 10 बजे शिविर का उद्घाटन किया। मंडल रेलवे अस्पताल में कुल 90 महिलाओं की जांच की गई और स्तन कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मरीजों की जांच की गई। इसी प्रकार नागपुर मंडल के वर्धा स्टेशन में आज 9 मार्च, अमला और बल्लारशाह में 16 मार्च को स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए जाएंगे। मंडल रेलवे अस्पताल नागपुर के चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल सर्जन और अन्य सहायक कर्मचारी शिविरों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन शिविरों में सामान्य जांच, प्रयोगशाला परीक्षण, दृष्टि जांच, स्त्री रोग संबंधी जांच, दांतों की जांच, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के साथ साथ अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण किया जाएगा। सभी महिला कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्य से अनुरोध किया गया है कि वे शिविर का लाभ लें। GST की बड़ी दरों के खिलाफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय ईंट व टाइल्स निर्माता महासंघ के तत्वावधान में दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया।
देशभर से करीब 6000 से भी अधिक ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स धरने में शामिल हुए। महाराष्ट्र ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग लघु उद्योग एसोसिएशन व नागविदर्भ ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भी इस धरने में शामिल हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल मेहाड़िया, सचिव संजय पालीवाल, गजेंद्र चौकसे, सुरेंद्र अरोरा, सिद्धार्थ खोबरागड़े, शिवपाल कुशवा, सुशील शर्मा, गोपी खंडेलवाल, रवि शुक्ला के साथ करीब 25 ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स ने नागपुर से दिल्ली पहुंचकर इस धरने में हिस्सा लिया। धरने को संबोधित करते हुए महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जीएसटी की बढ़ी दरों को वापस लेने के लिए लगातार मांग की जा रही है। केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज पूरे देश से ब्रिक्स टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ने दिल्ली पहुंचकर अपना विरोध जताया है। यदि अब भी सरकार ने नहीं सुनी और जीएसटी की बढ़ी दरों को वापस नहीं लिया तो आगामी अप्रैल माह से ब्रिक्स टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स जीएसटी भरना बंद कर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। गांधी सागर के तट पर स्थित इष्टदेव झूलेलाल मंदिर में सारस्वत सिंध ब्राह्मण मंडल के पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। समस्त ब्राह्मणों ने प्रदीर्घ विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 2022-23 की तिथियां निर्धारित की। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष ताराचंद पुरोहित, उपाध्यक्ष मुरलीधर शर्मा, सुनील शर्मा, महासचिव राजू महाराज शर्मा, सलाहकार महेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र जोशी, संपर्क प्रमुख हरीश शर्मा, प्रकाश महाराज शर्मा, दीपक हासानंद शर्मा, विजय शर्मा, ऑनलाइन समाचार पत्र सुनो सुनो के संस्थापक संपादक उमेश यादव प्रमुखता से उपस्थित थे। मंदिर के महंत मोहनदास ठाकुर ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उल्लेखनीय है कि इस बार सिंधी समाज का नववर्ष 2 अप्रैल को चेटरी चंद महापर्व से प्रारंभ होगा। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विमेन इन पब्लिक सेक्टर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व महापौर कुंदा विजयकर थी। उन्होंने अपने संबोधन में देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्रमुखता से उजागर किया। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की तरक्की में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और हर एक क्षेत्र में उन्होंने सहभागिता दर्ज की है। इस अवसर पर वेकुली के क्षेत्रों और खदानों में विभिन्न कार्यों में कार्यरत नारी शक्ति को उनके कार्यक्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में झंकार महिला मंडल की अध्यक्षा अनिता अग्रवाल, उपाध्यक्षा रीना कुमार, आभा द्विवेदी, श्रद्धा श्रीवास्तव एवं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली चौधरी, निदेशक कार्मिक डॉक्टर संजय कुमार, सीवीओ अमित कुमार श्रीवास्तव एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। निदेशक कार्मिक डॉक्टर संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी संस्थान के उत्थान में महिलाओं की अहम भागीदारी होती है। कठोर परिश्रम एवं संस्था के प्रति समर्पण का भाव महिलाओं की विशेषता है। महिला दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्तालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सत्कार किया गया। वनामती के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि मुंबई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश वासंती नाइक ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारियों की प्रतिभा बहुआयामी है। अन्य क्षेत्र की तुलना में पुलिस विभाग का कार्य जटिल है, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर पुलिस विभाग में सेवा देना कठिन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीपी अमितेश कुमार ने की। जॉइंट सीपी अश्वती दोरजे, डीआईजी नवीन चंद्र रेड्डी और सुनील फुलारी भी मंच पर उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सत्कार किया गया, जिनमें डीसीपी चेतना तिड़के, एसीपी माधुरी बाविस्कर, नयन अलूरकर, इंस्पेक्टर वैजंती मांडवधरे, शुभांगी देशमुख, विद्या जाधव, तृप्ति सोनवने, आशालता खापरे, प्रभा एकुरके, उच्च न्यायालय की मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, जिला सरकारी वकील सरिता ताराम, विशेष सहायक सरकारी वकील ज्योति वजानी, रश्मि खापरडे, चाइल्ड लाइन की पूजा कामले, एडवोकेट मंजीत कौर मतानी, बॉक्सर अल्फिया अकरम पठान और अन्य महिलाओं का सत्कार किया गया। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है।
सरकारी योजनाओं को लागू करते समय महिलाओं के हित को ध्यान में रखना चाहिए। अगर महिलाओं को परिवार के साथ साथ कार्यस्थल पर भी सम्मान और अधिकारों का माहौल दिया जाए तो महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदल जाएगा। यदि महिलाभिमुख प्रशासन के माध्यम से सम्मानजनक व्यवहार रहा तो सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा। यह उद्धार संभागायुक्त प्राजक्ता लवांगारे वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान वनामती में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। वनामती में परिवीक्षाधीन प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महिलाभिमुख प्रशासन का महत्व इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी में कलेक्टर आर विमला, नागपुर शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त अस्वती दोर्जे, वनामती निदेशक भुवनेश्वरी एस ने मार्गदर्शन किया। अखिल भारतीय स्वराज्य संस्था नागपुर के प्रादेशिक संचालक डॉक्टर जयंत पाठक ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनको मार्गदर्शन प्रदान किया। लवंगारे वर्मा ने कहा कि उन्हें राजस्व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कई अनुभव हुए। अगर महिला किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो एक महिला के रूप में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। श्री राम ने दुर्जनों का सुनकर सीता का त्याग किया पर धर्म को नहीं त्यागा। यह उद्धार जैन रामायण के रामकथा में रामकथाकार जय कीर्ति जी गुरुदेव ने सातवें दिन में कहा। आगे पंच परमेष्ठी को नमन करके रामकथा प्रारंभ हुई। रामकथा हरती व्यथा करती सुख संसार, धरती पर वृक्ष है फल देते अपरंपार। कर्मों का फल जैसा आया राम ने उसे निभाया। रावण जैसे ही पर्वत के समान गिरता है, मंदोदरी 18,000 रानियों के साथ आती है, राम सांत्वना देते हैं। सज्जनों का मरण पर्यंत वैर होता है। गोसिर चंदन में दाह संस्कार होता है। पद्म सरोवर पर जाते हैं। इंद्रजीत मेघवाहन को कैदी के रूप में लाते हैं। उनको राम कहते हैं, आप लंका जाओ और राज्य करो। वे कहते हैं कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। सारे वैर भाव को त्याग कर विदिक्षा को धारण करते हैं। उद्यान में अनंत वीर्य मुनिराजों का संघ पधारते हैं। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वर्ग से देवलोक आकर जय जयकार करते हैं। मंदोदरी भी कई महिलाओं के साथ आर्य का दीक्षा लेकर कल्याण करती है। सीता के धैर्य और सहनशीलता की सराहना करते हैं। राम को बहुत दूर से देखकर सीता के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। महिला दिवस के शुभ अवसर पर बाबूलाल टक्का मोरे स्मृति संस्था द्वारा 75 वर्षीय कलावंती बेन गोवर्धन दास दोषी का सत्कार किया गया। वे गुजरात से अपने पति के साथ काम के खोज में नागपुर आई थी। शुरुआत में पति गोवर्धन दास ने नौकरी के बाद अपने मुश्किल दिनों में 60 रुपए में फाफड़े के ठेले की शुरुआत की। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जिन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष लोगों को सेवा दी। ऐसी संघर्ष करने वाली महिला का महिला दिवस पर सम्मान किया गया। संस्था के सचिव अजय टक्का मोरे, ओम गुप्ता, देवानंद चौरीवार, सोनू जैन, लोकेश टक्का मोरे, भावेश जरीवाला, रूपेश टक्का मोरे, नितिन खापरे, शशांक टक्का मोरे, भावेश दोषी ने बधाई देकर उनका आशीर्वाद दिया। अमर स्वरूप फाउंडेशन एवं पुलक मंच परिवार द्वारा प्रकल्प कबाड़ से जुगाड़ अंतर्गत 100 नई साड़ियां जनसंघर्ष समिति के दत्ता शिर्के एवं डॉक्टर संदीप आकरे द्वारा अति दुर्गम क्षेत्र भामरागढ़ में आदिवासी महिलाओं के लिए भेजी गई। जनसंघर्ष समिति द्वारा गढ़चिरौली जिले के नक्सलग्रस्त गाँव में विशेष सेवा कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर आदिवासी महिलाओं आशा सेविकाओं का सत्कार किया जा रहा है। इस कार्य में अमर स्वरूप फाउंडेशन एवं पुलक मंच परिवार का भी सक्रिय सहभाग रहा। महिलाओं के सम्मान में संस्था द्वारा 100 नई साड़ियां वितरित की गई। इस अवसर पर शरद मचाले, संजय नखाते, डॉक्टर रविंद्र भुसारी, शांतिनाथ भांगे, कमलेश गुलालकरी, संदीप पंडित, हर्षा वेखंडे, मनीषा नखाते, जुइली भुसारी आदि उपस्थित थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्व नागपुर के अध्यक्ष गुलशन मुनियार के प्रभाग 26 जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद प्रफुल्ल पटेल के हाथों किया गया। समारोह में पर्यवेक्षक एवं पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, शहर नकापर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर कल्याणी सत्रा, संजय नाहटा, सुनील आचार्य, अश्विन जैन जवेरी, यूसुफ अली, रामनिवास गर्ग, विशाल अग्रवाल, प्रकाश मेनन, जयप्रकाश मालवीय, दीपक मुणोत, डॉक्टर अरूप मुखर्जी, जयदेव व्यास, अनिल आहूजा, पुरुषोत्तम फुलवानी, विक्की ओसान, राजेश किंगरे, सुरेश मुनियार, मनीष सोनी, नरेश कृष्णा नाही, विमल शर्मा, नीरज ठुठेजा, सुनील गुप्ता, दिलीप अमेसर, शिशिर सारडा, दीपक सलूजा, रविन्द्र इटकेलवार, आकाश थेटे, डिम्पी चंदवानी, योगेश वाधवानी, गोविंद भालोटिया, जय चावला, प्रकाश मेशराम, राजू भोयर, सचिन सचदेवे और मदन जुनेजा उपस्थित थे। मुस्लिम यूथ लीग नागपुर की जानिब से
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार समिति के चेयरमैन व केरल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आले रसूल सैयद हैदर अली शिहाब थंगल साहब के लिए ताजियती बैठक शोक सभा का आयोजन मुस्लिम यूथ लीग नागपुर के आजाद नगर टेका स्थित ऑफिस में किया गया। बैठक के माध्यम से मरहूम सैयद हैदर अली शिहाब थंगल साहब के लिए दुआए मगफिरत की गई व खिराजे अकीदत पेश की गई। इस अवसर पर मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुबैर खान ने बताया कि सैयद हैदर अली शिहाब थंगल साहब न केवल एक कद्दावर राजनीतिक थे बल्कि वे पूरे केरला के लिए आध्यात्मिक नेता भी थे। सैयद हैदर अली शिहाब थंगल ने केरल में सभी धर्म पंथ जाति के लाखों गरीबों की मदद की व केरल में हमेशा मानवता करुणा धर्मनिरपेक्षता भाईचारा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से पूरे केरला की जनता में गहरा शोक है। इस अवसर पर मुस्लिम यूथ लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुबैर खान इकबाल अंसारी अध्यक्ष मुस्लिम लीग उत्तर नागपुर सद्दाम अशरफी वकील हाजी सलीम अंसारी शहबाज खान हैदर भाई आजम खान व अन्य उपस्थित थे। अहमदनगर संगमनेर में महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश से आए सभी पदाधिकारियों का सत्कार हुआ। प्रमुख रूप से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सुधीर तांबे व संगमनेर नगर परिषद के प्रथम महिला लोकानियुक्त नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे, महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सत्यजीत तांबे को यशवंत वेणु पुरस्कार मिलने पर प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव फजलुर रहमान कुरैशी ने धन्यवाद व्यक्त किया। कुरैशी ने कहा कि यूथ कांग्रेस एक परिवार की तरह है। सत्यजीत तांबे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन समय समय पर कभी किसानों के हक की लड़ाई लड़े, युवाओं के लिए आवाज उठाए, गरीबों के लिए महंगाई को लेकर आंदोलन किए, बढ़ते डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर मोर्चे निकाले। इस अवसर पर प्रदेश सचिव फजलुर रहमान कुरैशी को पुरस्कार से नवाजा गया। ब्रेक द बायस अर्थात भेदभाव छोड़ो इस संदेश के साथ 13 मार्च को नागपुर में 5 किलोमीटर महामैराथन का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन ने आज मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक की घोषणा की है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अधिकाधिक संख्या में माताएं एवं बेटियां इस मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, ये आह्वान जिला कलेक्टर आर विमला ने किया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने एक लिंक जारी की है। इस लिंक पर जाने के बाद सहभागियों का इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के 3 समूह में से प्रत्येक के लिए 10 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी लोग भाग ले सकेंगे। मैराथन की शुरुआत कस्तूरचंद पार्क, संविधान चौक, विधान भवन रोड, जापानी गार्डन, वॉकर स्ट्रीट, रामगिरी, जिमखाना, विसीए चौक तक 5 किलोमीटर दूरी के मार्ग से होगा। प्रतियोगिता का समापन कस्तूरचंद पार्क में होगा। महिला दिवस के अवसर पर महावितरण के सावनेर संभाग के सभी महिला कर्मचारियों ने कृषि पंप के बिजली बिल का बकाया भुगतान करने वाली महिला किसान को महिला दिवस के अवसर पर उपहार दिया। उल्लेखनीय है कि सावनेर विभाग की कार्यकारी अभियंता दीपाली माडेलवार महिला होते हुए भी जोखिम भरे विद्युत वितरण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है और उन्होंने इस उपक्रम की सराहना की है। पूरे विश्व में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए महिला दिवस पर 8 मार्च को उनका सत्कार किया जाता है। इस अवसर पर एक महिला किसान रमा खड़से, जिन्होंने अपने बिजली बिल 47,000 रुपए का भुगतान किया है, उन्हें विभाग कार्यालय में आमंत्रित कर सत्कार किया गया। इस अवसर पर उप कार्यकारी अभियंता स्वाति पडलम्बार, सहायक अभियंता प्रीति बंसोड़, स्मिता नकटे, कनिष्ठ अभियंता निकिता ठाकरे, सहायक लेखापाल अलका गोखले, कनिष्ठ लिपिक लता मेश्राम, शारदा सोनबार से प्रधान तंत्रज्ञ मंजुषा कड़ू, वरिष्ठ तंत्रज्ञ मीनाक्षी मोहनकर तथा पल्लवी जोग ने महिला किसान को सम्मानित किया। इस अवसर पर महावितरण की महिला कर्मचारियों ने भी महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए किसान महिला को कृषि योजना में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर रिद्धि कटारिया द्वारा संचालित बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित क्योर कनेक्ट मल्टी स्पेशलिस्ट रिहैब सेंटर में एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सुपले ने सद्भावना भेंट दी एवं आगे मिलकर सहयोग करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर रिद्धि कटारिया वर्तमान में नागपुर की कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुई है। गौरी हाइट्स निकालस मंदिर चौक के पास बच्चों का परीक्षण कर उपचार करती है, कम समय में ही सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। डॉक्टर कल्पना कड़ू औरंगाबाद निवासी एवं डॉक्टर छाया अंबोरे नागपुर निवासी सीनियर थेरेपिस्ट ने भी सेंटर में भेंट देकर सराहना एवं सहयोग का भरोसा दिलाया। क्लिनिक के साजो सामान एवं सेटअप की प्रशंसा की गई। अत्याधुनिक विभिन्न इक्विपमेंट से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मानसिक या शारीरिक रोग या अक्षमता से ग्रस्त लोगों की सहायता करके उन्हें सामान्य जीवन जीने और जितना संभव हो सक्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लोगों को जीवन जीने की स्किल सिखाते हैं जो कि उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। ये रोगियों को सेंसरी, मोटर, परसेप्चुअल और कॉग्निटिव एक्टिविटीज के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य कार्य करने और काम पर लौटने में सक्षम बनाते हैं।
तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।